सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। गाइज देखिए, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम का थर्ड शिफ्ट के गाइज क्वेश्चंस मिल चुके हैं। थोड़ा सा लेट क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन मिल पाया कोई मतलब आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाले हैं। सो गाइज विदाउट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 25 तारीख तक हर एक बैक टू बैक हर एक शिफ्ट का रिव्यू तो आपको मिलता ही रहने वाला है, ठीक है। और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर आज करना कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते चलते हैं। और गाइज देखिए, एक बार और बताना चाहूँगा, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। इससे पहले कि दो शिफ्ट के मैंने क्वेश्चंस और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करा दिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, आप जाके देख सकते हैं। और भी देखो, मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना वीडियो। सो गाइज देखिए, यहाँ पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों के दोनों पीडीएफ अभी जो मैंने कुछ देर पहले प्रोवाइड कराई थी, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एजुकेशन आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट के बाद अगर जस्ट सेकंड वाली को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद गाइज, जब थर्ड शिफ्ट का आया तो थर्ड शिफ्ट का भी आपको जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस, और ये भी डिस्कस करेंगे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ गाइज, और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, देखिए इस शिफ्ट पे गाइज मैंने मैथ के क्वेश्चंस नहीं किए। और एक बात और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, मैथ के क्वेश्चन एक मेरी इन्फॉर्मेशन में जानकारी में एक कैंडिडेट का आज था अभी शाम की मतलब शिफ्ट पे, ठीक है, तो उसने वो अभी बस पे था तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ घर पे, तो मैंने कहा चलो सभी को कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि जीके एंड इंग्लिश भी क्या क्वेश्चन आए, उसके बाद मैथ एंड फिजिक्स के कम से कम गाइज अगर हो सकेगा तो मॉर्निंग पे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस कम से कम होंगे, 25 क्या और 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश सॉरी फिजिक्स एंड मैथ के। अगर गाइज मैथ अगर ये नहीं मैं कर पाता, ठीक है, बाई चांस अगर टाइम नहीं मिला, क्योंकि शायद कल देखते हैं, ठीक है, तो अगर टाइम नहीं मिलता तो गाइज मैं आप लोगों को करूँगा क्या कि आप लोगों के लिए उसका सीधा पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप सभी वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आया चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, भैया हर एक शिफ्ट पे आज चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर से क्वेश्चन आज किया है। अब अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो जाके जरूर तैयार कर लेना, कैपिटल नहीं चीफ मिनिस्टर कौन किस स्टेट का है, सिक्किम का। देखिए बेसिकली आपसे यूपी का नहीं आज करने वाला, एमपी का नहीं आज करने वाला, ठीक है, आपसे ऐसे ही पूछेगा, सिक्किम का पूछ लिया है, मणिपुर का पूछेगा, उत्तराखंड का पूछ लेगा, आपका अरुणाचल प्रदेश का पूछ लेगा, ठीक है, नागालैंड का पूछ लेगा, ऐसे ही मतलब पूछेगा, ऐसे कि गवर्नर इसी का पूछेगा, तमिलनाडु का पूछ सकता है, कर्नाटका का पूछ सकता है, ये कुछ एक्सेप्टेड है, मतलब जो हटके हो जो ज़्यादा लाइट पे रहते हैं मतलब नहीं आते उन स्टेट्स के यहाँ पे आपसे मोस्टली आज करेगा, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, देखिए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बताना कि केरला के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है थे, तो उनका नाम था गाइस NMS नाम बोध द्रीपाद, ठीक है, आप पढ़ सकते हो बेसिकली भाई इनका नाम इतना थोड़ा ऊटपटांग टाइप में है, ठीक है। और अभी अगर लेटेस्ट की बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट में इन्हीं से क्वेश्चन आया था, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, वो अभी फर्स्ट नहीं आया था, वो करंट पे पूछा था कौन है, तो वो तो पिनाराई विजयन है, बट ये अभी जो है वो है मतलब फर्स्ट टाइम जो थे वो थे NMS नम्बू द्रिपद, ओके नम्बू द्रिपद, ओके। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्चिंग डेट 22 अक्टूबर 2008। देखिए चंद्रयान सेकेंड मतलब पूछा है कि जो फर्स्ट लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था, उसकी डेट बताइए, ठीक है, तो आपको एक्सेप्टेड वहाँ पे ऑप्शन पे दी हुई थी 22 अक्टूबर 2008, जो आपका राइट आंसर था, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं अभी वाला तो गाइस वो तो 22 जुलाई को हुआ था ना, आप सभी को पता होगा, ठीक है, 2019 पे। नेक्स्ट चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए एयरफोर्स का करंट जो बना है लेटेस्ट का बना, ज़्यादा पुराना नहीं आ रहा है, जैसे कि आपसे पूछा था राफेल नडाल, जैसे फ्रेंच ओपन पूछा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा था, फ्रेंच ओपन तो आपका जीता है किसने, फ्रेंच ओपन आपके राफेल नडाल ने जीता है, बट अगर बात करूँ क्या बोलते हैं उसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने, ओके। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ CM ऑफ गोवा, अच्छा देखिए यहाँ पे गवर्नर भी आज किया था आई थिंक, और CM इस पे मुझे था डाउट, तो मैंने किया क्या गाइस दोनों के दोनों यहाँ पे कर लिए। अगर CM की बात कर लूँ तो गाइस वो प्रमोद सावंत है, गोवा के अगर CM की बात कर लूँ तो प्रमोद सावंत है, अगर वहाँ की बात करूँ अगर गवर्नर की तो वो है मृदुला सिन्हा, ठीक है, मृदुला सिन्हा आपको गोवा के CM देखने को सॉरी गवर्नर देखने को मिल जाएंगे, राज्यपाल, और CM आपको प्रमोद सावंत। नेक्स्ट पानीपत का फर्स्ट वार कब हुआ, 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, ये आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आया हुआ था, किसके बीच में हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था, 1556 में दूसरा हुआ था और 1761 में तीसरा हुआ था,
ठीक है, तीनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आपके एग्जाम पे आ चुके हैं, और देखना कल फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आपका जरूर थर्ड से आपका मोस्टली आज किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है। भैया ये तो हर एक शिफ्ट पे आता है क्वेश्चन, मतलब बटरफ्लाई लास्ट बार मैंने जब रिव्यू दिया तो मुझे अच्छे से याद है ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 शिफ्ट में दिया। तो आप भाई गेम से जरूर तैयार कर लेना, गेम्स वगैरह से क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना कि कौन से मतलब किससे बिलोंग करता है। बेटन कप, राइडर कप, राइडर कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोबर्ट्स कप, सुब्रतो कप, हाँ आगा का कप, लेडी रतन टाटा कप, न जाने कौन कौन से कप है, आप सभी पढ़ सकते हो। एसेज हाल ही पे भी एसेज हुआ जो इंग्लैंड हो, क्योंकि ये इनका जो करंट है वो 15-20 डेज का ही आ रहा है, ज़्यादा पुराना नहीं बना रहे। SI यूनिट ऑफ पावर मतलब शक्ति का SI यूनिट बिल्कुल ईजी आ गया था आपका, वाट होता है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा पे है, कहाँ पे अकबर का मकबरा, तो कहते हैं अकबर के बारे में आया है, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, बाबर का मकबरा कहाँ पे है, और बात कर लेते हैं। ओ चलो ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन जो पुलित्जर अवार्ड जीता उनका नाम बताइए। देखिए क्या जो पुलित्जर अवार्ड होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, बट जो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो गोविंद बिहारी लाल को फर्स्ट टाइम दिया गया था। कब दिया, किसे दिया गया था, गोविंद बिहारी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए, तो कहीं देखिए भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो पिनाकी घोष नियुक्त हुए हैं भारत के पहले लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेथार्जिक का सैनोनिम, भाई बहुत सिंपल सा आ रहा है लेथार्जिक, देखिए जैसे कि लेथार्जिक मतलब होता है इनएक्टिव, जिसे आप बोलते हैं आलसी, ठीक है, मतलब लेथार्जिक मतलब होता है क्या, आलसी, तो आप इसका आंसर आपका हो जाएगा इनएक्टिव मतलब कि लेजी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने लोगों को नियुक्त कर सकता है, गाइस देखिए बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने लोगों को नियुक्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंट राज्यसभा में केवल 2 को, और अगर लोकसभा की बात कर लेते तो 12 कैंडिडेट्स को वहाँ पे मतलब वो अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंट की राइट मीनिंग यहाँ पे आपसे पूछ ली थी, देखिए मीनिंग कोई टफ नहीं है यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। गाइज एक मिनट, देखिए एडोलेसेंट का स्पेलिंग बताना था, तो यहाँ पे इरर क्या था एडोलेसेंट मीनिंग पे, तो गाइज यहाँ पे मैंने वैसे राइट मीनिंग लिख दी, और 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, या तो ऐसा होगा कि चारों मीनिंग यही दी होंगी, इसी पे कोई ना कोई मतलब ऑप्शन, मतलब जैसे कि यहाँ पे ओ की जगह ए कर दिया, ई कर दिया, और पूछ लिया इरर बताइए, या फिर आपका दूसरा नंबर क्या होगा कि 4 अलग अलग मीनिंग दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि बताइए इनमें से कौन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कुछ गुड बाय से था, देखिए गाइज आपने पढ़ा होगा ना एक्सलेमेट्री के बाद आपका परेड वाले विज्ड वाले जो आते हैं उसी से था, ठीक है, तो जिसमें बेर लगता है, जैसे कि मैं कहूँ ही सेड टू मी गुड बाय, तो ही टोल्ड मी गुड बाय, ओके, ऐसे बेसिकली बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आज के मॉर्निंग शिफ्ट के आपको रिपीट करा देता हूँ फास्ट से, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं, एक सेकेंड जस्ट गाइस, हाँ ऑस्पीशियस का एंटोनिम आया था, एडमायरेबल का नाउन आया था, ठीक है, इमेबल मतलब फ्रेंड वर्ड ईयर और एस सी अपन लेमडा से आया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गए सरोजनी नायडू था, और जब मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम तो मैंने एम फातिमा भी बोल दिया था, ठीक है, तो वो रॉन्ग हुए थे उससे बेसिकली, तो उसके लिए सॉरी। द टीचर सेड व्हाट आर यू डूइंग, ये आया सेकंड पानीपत वार, देखिए आया ना सेकंड पानीपत वार, और ये किस शिफ्ट में आया था, आई थिंक सेकंड शिफ्ट में आया था। हिमा दास बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स, तो हिमा दास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम पे देखने को मिल जाएगा। वैल्यूम का एरिया, ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन ऑस्पीशियस, हाँ चलो इसे हटाओ, इसे भी हटाते हैं, वही बार बार आ रहा है, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ देखो चेयरमैन ऑफ इसरो के चेयरमैन कौन है, पहले तो इसरो का भाई फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 पे हुई थी, और चेयरमैन कौन है, के सिवान, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनाराई विजयन, अभी मैंने बताया था, और हाल ही पे अभी पूछा गया कि फर्स्ट कौन थे 2019 ऑस्कर मूवी नेम बताना था, तो वो कौन थी, ग्रीन बुक थी आपकी 2019 ऑस्कर मूवी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था विस्कोसिटी डायमेंशन, विस्कोसिटी मतलब होता है सायंता, क्या होता है सायंता, तो सायंता की आपकी डायमेंशन बताना था, तो देखिए डायमेंशन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आज किया है बेसिकली, तो अगर आप डबल एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम देने जाने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशन से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट पे आज किया जाएगा, ठीक है। और भी देखिए और क्वेश्चन, हाँ मैरिट के साथ प्रीपोजिशन, बार बार आपको बताता रहता हूँ कि मैरिट के साथ अगर पहले लड़का का नाम है जैसे राम के साथ में, तो विथ आएगा राम टू सीता और सीता विथ राम, ठीक है, मतलब लड़की का नाम पहले बाद में लड़का तो विथ आएगा, और पहले अगर लड़का और बाद में लड़की तो टू आएगा, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आपको मतलब रिवाइव करा देना चाहिए, इस बेस पे आप प्रिपरेशन अपनी रिपीट करा सकते हो, और भी कोई डाउट हो बेझिझक करके आज करना, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, एक बार फिर से रिपीट कराना चाहूँगा
कि भाई मैं मैथ के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा, और मैथ के क्वेश्चंस का जो मैंने प्रॉमिस किया अभी कुछ देर पहले कि वो 25 to 30 क्वेश्चंस, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही बना के मतलब दे दूंगा अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता बाई चांस। ओके, सो बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, वंदे मातरम।